बहुत बड़े खुशी की बात है कि रियासत तेलंगाना में इतने सारे माइनॉरिटी चेहरे जो एक कैबिनेट रैंक हासिल करते हुए आज जो चेयरमैन बने हैं, ये बहुत ही कम हुकूमतों में पूरे हिंदुस्तान में एक तेलंगाना रियासत एक ऐसी मिसाल है जिसमें आली जनाब इज्जत माफ केसीआर साहब की जो जद्दोजहद माइनॉरिटीज के लिए, खुसूसी तौर पे अकलियतों के लिए उनकी जो सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे चेहरे जो चेयरमैन बनके आपके सामने उभरे हैं। रियासत तेलंगाना आए बाद पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी रियासत होगी जहां पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को दिया गया है, उसके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा, उसके बाद होम मिनिस्टर का ओहदा। तो ये केसीआर साहब की कारकर्दगी जो अकलियतों की बहबूती के लिए जो की जा रही है, आप तमाम लोग देख रहे हैं। आप तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज अकलियत अगर महफूज है तो रियासत तेलंगाना में महफूज है। आज दिगर रियासतों में देखिए, आज महाराष्ट्र रियासत में बीआरएस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा काम वहां पे जारी है। जब हम महाराष्ट्र जाके देखें तो वहां पे मुसलमानों की या दूसरे क्रिश्चियन या सिख माइनॉरिटीज की कोई तरीके से कोई रियासत में भी हिफाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए हिंदुस्तान में जिस तरीके की दहशतगर्दी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि आज एक मुस्लिम चेहरा, एक चेहरा रखने वाला इंसान रात में अकेले जो है फिर नहीं सकता। यूपी जैसी रियासत में, हरियाणा जैसी रियासत में कोई भी एक चेहरा रखने वाला इंसान अगर रात में 2 बजे घर के बाहर निकल जाए तो उसके घर के वापस होने की जो है पूरे घर वाले दुआएं कर रहे हैं कि वो खैरियत से वापस आ जाए। तो इस तरीके की दहशतगर्दी है। लेकिन आज रियासत तेलंगाना जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो माइनॉरिटीज की हिफाजत कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत एक मिसाल बन के रह गई है। अगर मेरी मिसाल ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब के बाद हरीश राव साहब, आज मैं एमएलए हूं तो हरीश राव साहब की जिद्दोजहद थी। हरीश राव साहब का यह था कि हमारे पास मुस्लिम एमएलए रहना जरूरी है, केसीआर साहब का मानना यह था। और हरीश राव साहब का मैं तहे दिल से तमाम आवाम के सामने, रियासत के तेलंगाना के तमाम लोग देख रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के बाद केसीआर साहब और हरीश राव साहब का खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो उनकी जद्दोजहद मेरे को एमएलए बनाने में थी, आज 2 बार आप लोगों की नुमाइंदगी करने का जो मौका मिला उसमें हरीश राव साहब का बहुत बड़ा रोल है। आज तनवीर को यहाँ पे जो चेयरमैन दिए, हमारे साथ काम करने वाले फरीदुद्दीन साहब जो एक सीनियर कायद थे, एक वक्फ मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी शख्सियत, अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत करे। आज जो है तनवीर साहब को जो चेयरमैन देके उनके खानदान के साथ जो इंसाफ किया गया है उसके लिए हरीश राव साहब का और केसीआर साहब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में जो अकलियतों के लिए फलाई बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, आज जो है उलेमा इकराम के लिए, जो उलेमा इकराम की जो हालत है, जो आज मस्जिदों में कई ऐसे मस्जिदें हैं जो उलेमा इकराम की तनख्वाह नहीं दे सकते, ऐसे उलेमा इकराम जो अपने सीने में कुरान शरीफ लेके चलते हैं, वैसे उलेमा इकराम को आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुआवजा 5,000 रुपए का दिया जा रहा है, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, पूरी रियासत में पैसे देना मिनिस्टर साहब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोधन में भी काफी जो है साहब की मदद हर तरीके से रही है। मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उलमा हुफाज को जो 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है उसको कम से कम 8,000 रुपए करिए, आपसे हमारी अदबन गुजारिश है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो 1,00,000 रुपए भी अगर आप दे रहे साहब, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा तादाद में, क्योंकि माइनॉरिटीज में ऐसे कई नौजवान हैं जो बेरोजगार है। अल्हम्दुलिल्लाह
पढ़ाई लोगों का जो बुनियादी तौर पे एजुकेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का बहुत अच्छा हो रहा है। हजारों बच्चियों की शादियां हजारों करोड़ रुपए देके जो माँ बाप अपनी गरीब बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की मेहरबानी से हजारों बच्चियों की शादियां रियासत तेलंगाना में आज हुई है 1,116,000 रुपए देके। उसके अलावा कई पेंशन रहने दीजिए, कई जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज है जो हामिला औरतें हैं उनको भी 13,000 रुपए देके आज हुकूमत हर तरीके से संभाल रही है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी एक अदबन गुजारिश है, बहुत सारा यूथ रियासत तेलंगाना में जो माइनॉरिटी यूथ है बेरोजगार है साहब, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि अगर आप 1,00,000 रुपए दे रहे तो 1,00,000 सही साहब, बिना बैंक सब्सिडी के बिना बैंक लिंकेज के वो 1,00,000 रुपए मुकम्मल तरीके से हमारे नौजवानों को दिए जाएंगे तो रोजगार में बहुत बड़ा इनको जो है बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हरीश राव साहब से उम्मीद है क्योंकि वो एक ऐसे कायद है कि मतलब उनकी मेरे को उनकी तारीफ करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, ऐसी शख्सियत जो हर दिल अजीज शख्सियत जो हर दिल में बसती है, मेरे को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर ये करेंगे। आप तमाम से भी मेरी गुजारिश है आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग आगा रहिए, देखिए हमारा वोट एक तरफ जाना चाहिए, ऐसी कोशिश की जा रही है कि कुछ सियासी ताकतें वोट बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो केसीआर की खयादत में जो अखिलियत आज महफूज है आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना एक मिसाल बन के रह गई है। इस मिसाल को दूसरी रियासतें लेके तेलंगाना की जैसी हुकूमत हमको चाहिए बोल के आज लोग बोल रहे हैं, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है एक जहती का मुजाहरा कीजिए, ऐसी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत तेलंगाना रियासत जो 29 रियासतों में एक मिसाल है हिंदुस्तान में, आज केसीआर साहब की क़यादत को फिर हमको मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम भाइयों बहनों से बुजुर्गों से नौजवानों से मेरी गुजारिश है एकजुट होकर काम करिए, एक जहती का मुजाहरा करिए। एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं, देखिए दिगर कौमें हैं तेलंगाना रियासत में, कुछ कौमें 3% है उनके 60 MLA, आज 14-15% आज अखिलियती जो है यहां पे मौजूद है तेलंगाना रियासत में, लेकिन मैं सिर्फ 1 MLA हूं। मैं केसीआर साहब से हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा MLA टिकट मुसलमान कायदों को देके उनको असेंबली तक पहुंचाया जाए ताकि अखिलियतों की और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी हो। हमारे सिख भाई यहां पे मौजूद है, हर तरीके से सिखों के लिए हमारे पास गुरुद्वारा बनाया गया, गुरुद्वारे के लिए 15,00,000 रुपए CDP फंड से हरीश राव साहब मेरे को पैसे दिए बाद 15,00,000 रुपए गुरुद्वारे को मैं अपनी तरफ से दिया। ऐसे हमारे तमाम MLA गुरुद्वारे के लिए हर तरीके से आज सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। आप तमाम को एक और बार बोलता हूं, जो बोले सोनियाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आज तमाम माइनॉरिटी भाई ना के मुसलमान सिख रहने दीजिए, जैन भाई रहने दीजिए, क्रिश्चियन भाई रहने दीजिए, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं एकजुट होके जो एक सेकुलर खयादत पूरे हिंदुस्तान में केसीआर की है, BRS पार्टी को कार के निशान को वोट देके हर तरीके से मजबूत कीजिए। जो नए चेयरमैन बने हैं मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतने बड़े पैमाने पे माइनॉरिटीज को मौका दिया गया रियासत तेलंगाना में एक कैबिनेट रैंक का ओहदा देते हुए तमाम नौजवानों को आज जिस तरीके से केसीआर साहब ने किया उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मेरे को मौका अदा करने के लिए जनाब महमूद अली साहब का, जनाब हरीश राव साहब का और हमारे लोकल MLA नागेंद्र भाई का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।